हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट। सिंप्लीफाइड वे में हम समझेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इनकम टैक्स तो बहुत क्लियर है कि चैरिटेबल ट्रस्ट कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करे तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, पर जीएसटी में अभी भी ग्रे एरिया है क्योंकि स्पेसिफिक डेफिनेशन है फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तभी आपकी जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट रहेगी, अदरवाइज नहीं। तो जो डोनेशन और ग्रांट वो चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलते हैं जो कि उस डेफिनेशन में कवर नहीं है, उनका क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या वो जीएसटी चार्ज करेंगे या एग्जेम्प्ट रहेंगी, यही चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जीएसटी फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। जीएसटी ऑन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट इन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, उनकी जो सर्विसेज है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे चैरिटेबल और सारे रिलीजियस ट्रस्ट की जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट रहे, ऐसा नहीं है। बाइफर्केट करा गया है कि कौन कौन सी ट्रस्ट हैं जिनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी और किनकी टैक्सेबल रहेंगी। वी ऑल नो दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज टू प्रमोट एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रिलीजियस एक्टिविटी एंड सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। बट इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव दे विल बी अर्निंग रेवेन्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की, तो वो जो उनका मेन मोटिव है वो प्रमोट करना है एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रिलीजियस एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर। बट जो इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अर्न करते हैं रेवेन्यू। जीएसटी एप्लीकेबल ऑन टाइप ऑफ सर्विस सच एंटिटी अंडरटेक्स। तो जो एंटिटीज इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से काम कर रही हैं वो उनकी कहीं ना कहीं जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा टैक्सेबल इवेंट होता है जीएसटी में? सप्लाई। अगर सप्लाई में वो फॉल कर जाते हैं तो फिर हम जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी में वो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सप्लाई की डेफिनेशन क्या है जीएसटी में। सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और अग्री टू बी मेड। फिर देखा जाए तो उन्हें सारे प्रकार के जो सर्विसेज हैं वो सप्लाई में उनने इंक्लूड कर लिया है, सर्विसेज और गुड्स की, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटर, लीज और डिस्पोजल, ये सारी चीजें, और या इन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है वो सब सप्लाई में आएगी। पर साथ में कंडीशन क्या है, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए सप्लाई में। तो जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट नेक्सेस होना चाहिए कंसिडरेशन का बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के से रिलेटेड वो सप्लाई होनी चाहिए। इन जीएसटी ऑल्सो देर मस्ट बी सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपियंट सर्विस। तो जीएसटी में दो लोग होते हैं, सप्लायर और रिसिपियंट, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो जब हम देखते हैं कि जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो सप्लाई है कि नहीं, जो अभी हमने सप्लाई की डेफिनेशन में देखा, इन कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, जो पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही परफॉर्म करे, तो क्या वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है कि नहीं, सेकेंड पॉइंट देखना है। थर्ड, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है कि नहीं, और फोर्थ, टू पीपल इन्वॉल्व है कि नहीं। तो अगर ये चारों में से चारों चीजें फुलफिल होती हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब इसमें जो बिजनेस है, बिजनेस को भी डिफाइन किया गया है जीएसटी में सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में, जो कि बहुत बहुत डिटेल में है डेफिनेशन, बट हम उसका जो रेलिवेंट पॉइंट है ना वो डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वेकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट। पिक्यूनरी मतलब प्रॉफिट के लिए होना चाहिए।
अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट फॉर एन एक्टिविटी टू बी कंसिडर्ड एज बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन. तो प्रॉफिट हो या ना हो बिजनेस की डेफिनेशन वो फॉल करेगा. सो एनी एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट मोटिव विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे. फर्दर सप्लाई मेड इवन विदाउट कंसिडरेशन बट फॉर बिजनेस पर्पज देन लाइबल फॉर जीएसटी. विदाउट कंसिडरेशन है बट बिजनेस के लिए है, तो वो जीएसटी में लाइबल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, डोनर डोनेट्स ब्लैंकेट विथ इट्स लोगो प्रिंटेड ऑन इट टू एन एनपीओ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रीटेड एज सप्लाई एंड बिकम सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो अगर डोनर डोनेट करते हैं ब्लैंकेट जिसमें उनका लोगो हो एक प्रोग्राम में, एजुकेशन प्रोग्राम में, तो आप इसका मतलब है कि प्रमोट कर रहे हैं. तो ये एक ओपिनियन है जिसमें प्रोग्राम में, जब आप ये ब्लैंकेट्स जिसमें लोगो है डोनर का, उसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप डोनर को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए वो जीएसटी चार्ज होगा. सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड अ न्यू क्लॉज अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. जब सेक्शन 17 हम सप्लाई की बात करते हैं, तो उसमें एक नया क्लॉज ऐड हो गया था, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. तो कोई भी पर्सन अगर अपने मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट को कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगी, भले ही वो कैश फॉर्म में हो, डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड हो या कंसिडरेशन में हो. तो अभी तक का जो हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ के, सो फार अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, एनजीओ लाइबल फॉर जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट इवन विदाउट प्रॉफिट मोटिव, बट ओनली इफ दैट एंटिटी क्रॉसेस थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 20 लाख एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 22, बट देयर इज मास्टर एग्जेम्पशन अवेलेबल. तो अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हो, बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हो, तो उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट पे जीएसटी चार्ज होगा अगर वो कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं. पर अभी भी सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है 20 लाख की, तो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस नहीं होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. बट अगर क्रॉस हो जाती है, कैसे देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट? एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्लस टैक्सेबल सर्विसेज दोनों का एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा फॉर सीइंग दी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 20 लाख. तो अगर ये क्रॉस हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा उन सर्विसेज और उन गुड्स में जो कि टैक्सेबल हो रहे हैं. क्राइटेरिया फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. तो जीएसटी में एक मेगा एग्जेम्पशन है जो कि सर्विस टैक्स के टाइम से आ रहा है, उसको कंटिन्यू किया गया है जीएसटी में. मेगा एग्जेम्पशन में कंडीशन बताई गई है जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट, उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है. ध्यान दें, सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, बट कंडीशन क्या है? वो ट्रस्ट 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में फॉल करें. तो चैरिटेबल एक्टिविटी डिफाइन करी गई है मेगा एग्जेम्पशन में ही, जो बहुत ही स्पेसिफिक है. द गुड्स एंड सर्विस एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाई द क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड एज चैरिटेबल एक्टिविटी. दे आर पब्लिक हेल्थ सर्विस सच एज काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और काउंसलिंग फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, काउंसलिंग फॉर पीपल अफेक्टेड विद HIV और एड्स, काउंसलिंग फॉर एल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन. तो अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में ये इस प्रकार की काउंसलिंग सर्विसेज इंक्लूडेड है, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आएगी और ट्रस्ट की जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट रहेंगी. सेकेंड है प्रमोटिंग ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा, स्प्रेडिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑन हेल्थ फैमिली प्लानिंग, प्रमोटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट
जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो किससे स्पेसिफिकली रिलेट होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स, ऑर्फन, होमलेस और अबैंडन्ड चिल्ड्रन, रूरल एरिया रेसिडेंट ओवर द एज ऑफ 65, ये स्पेसिफिकली एक्टिविटीज बताई गई है, पर्सन बताए गए जिनके लिए आपको एजुकेशनल प्रोग्राम रन करना और स्किल डेवलपमेंट, तभी आपकी जो सर्विसेज है वो चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आएगी। चैरिटेबल सर्विसेज टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, वॉटरशेड एरिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट और एन एनजीओ डज नॉट मीट एटलीस्ट टू ऑफ द क्राइटेरिया, देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड द एंटिटी मस्ट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है जीएसटी में। इन तीन प्रकार की सर्विसेज में अगर आप फॉल कर रहे हो, आपकी ट्रस्ट इन तीन प्रकार की सर्विसेज दे रही है और बहुत स्पेसिफिक दे रही है, तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगी। ये बहुत क्लियर कट मेगा एग्जेम्पशन में लिखा हुआ है। बट हम इनकम टैक्स की जब बात करते हैं, तो इनकम टैक्स का जो चैरिटेबल पर्पस है उसकी डेफिनेशन बहुत वाइडर है, और वाइडर होने के कारण काफी ट्रस्ट इंक्लूड हो जाते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में। उसमें बताया गया लिम्स बताए गए हैं, रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेसेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, और लास्ट में दिया हुआ है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो इससे इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है चैरिटेबल पर्पस की वो वाइडर है एंड जीएसटी में बहुत ही नैरो है। इस कारण जीएसटी काफी एनजीओ में अट्रैक्ट होता है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ओपिनियन की डोनेशन और ग्रांट जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, नहीं कर रहे हैं, अगर वन वे रिलेशनशिप है, कोई गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है, तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा उन डोनेशन और ग्रांट में। तो इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट कि आप एग्रीमेंट में कैसे वर्ड यूज कर रहे हो, जिससे गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो रहा है कि नहीं, एक कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है कि नहीं, जो डोनेशन का अमाउंट है वो क्या कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन तभी माना जाएगा जब वो डायरेक्टली नेक्सेस हो टू दिस एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सप्लायर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जीएसटी इम्पैक्ट ऑन रिसीट्स, जो रिसीट्स होती हैं चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को, उसमें जीएसटी का इम्पैक्ट क्या रहेगा। फर्स्ट हम डोनेशन की बात करते हैं। डोनेशन रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, एज रिसीट ऑफ डोनेशन विल नॉट सेटिस्फाई बिजनेस डेफिनेशन अंडर जीएसटी एक्ट एंड देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एम्बेडेड इन इट। तो एलिमेंट ऑफ सप्लाई और बिजनेस डेफिनेशन में डोनेशन कवर नहीं होंगे, इस वजह से वो जीएसटी के परव्यू से बाहर हो रहा है। ये ध्यान रखिए, कोई भी रिसीट हो आपको सप्लाई कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करके ही देखना है। दीज डोनेशन विल नॉट बी लाइबल फॉर जीएसटी। तो जो जनरल डोनेशन होते हैं, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड नहीं होते हैं, गाइडलाइन से रिलेटेड नहीं होते, तो जो जनरल डोनेशन है वो तो एग्जेम्प्ट हो गए। बट हम जब स्पेसिफिक डोनेशन की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। इस कारण जीएसटी अट्रैक्ट हो सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। वैसे इंटरेस्ट इनकम कोई भी एनपीओ को होती है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट है नोटिफिकेशन 12/2017 के कारण। रेंटिंग सर्विसेज अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट देता है या रिलीजियस ट्रस्ट देता है, तो वो भी एग्जेम्प्शन की कैटेगरी में है, पर उसमें एक एग्जेम्प्शन है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो भी रिलीजियस प्लेस है उसमें जो जगह को रेंट पे दे रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस प्लेस के अंदर ही आनी चाहिए, और जो चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट, वो 12AA या 1023C में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दो कंडीशन फॉल मैं आप दो कंडीशन है इसमें, कि जो प्लेस रेंट पे दे रहे हैं वो रिलीजियस प्लेस के अंदर आनी चाहिए, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए 12AA या 1023C में, तो वो रेंटिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। पर इसमें एक और कंडीशन बताई है कि अगर रूम रेंट रूम्स
है वहां पर और वो रेंट पे देते हैं, तो उनका जो पर डे चार्ज है वो 1,000 से कम होना चाहिए। 1,000 रुपीज से ज्यादा होगा पर डे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई प्रिमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया है जिसको रेंट पे दे रहे हैं, तो उसके जो चार्जेस है वो 10,000 रुपीज पर डे से कम होना चाहिए तो एग्जेम्प्ट रहेगा, वरना टैक्सेबल। अगर कोई शॉप्स है बिजनेस पर्पस या कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहे हैं तो उसका भी मंथली जो रेंटल है वो 10,000 से कम होना चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी रेंटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है एजुकेशन सर्विसेज। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे तो उनकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेगी। पर वो कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगी? वो जो वो स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ही अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए स्पेसिफिक सर्विसेज बताई गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी स्टाफ, केटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, एडमिशन सर्विसेज, ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट रहेंगी अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करे। बट कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक ही है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट की सर्विसेज ले रही है, तो इंपोर्ट सर्विसेज में आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उसको भी एंट्री नंबर 10 से एग्जेम्प्ट कर दिया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट को आरसीएम नहीं देना पड़ेगा अगर वो 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है और वो इंपोर्ट की सर्विसेज ले रही है। तो वैसे सेल ऑफ पब्लिकेशन की हम बात करें तो सेल ऑफ पब्लिकेशन विल अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7, बट बुक्स, पीरियोडिकल न्यूज़पेपर, मंथली जर्नल अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्स, बट ईयरली प्रिंटेड कैलेंडर्स अट्रैक्ट 12% जीएसटी रेट। तो सेल ऑफ पब्लिकेशन जीएसटीएबल होंगे बट उसमें अकॉर्डिंग टू द रेट मैक्सिमम जो पब्लिकेशन है वो निल रेट में होती है, इसलिए जीएसटी चार्ज नहीं होगी, बट कुछ कुछ जीएसटी के 12% और 18% के रेट में भी फॉल करती हैं। वेरियस सर्विस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर कोई रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल योगा कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, अगर वो प्योरली प्राइमरली योगा पर्पस के लिए हैं और वो ट्रस्ट करती है ऑर्गेनाइज जो कि 12AA में रजिस्टर्ड है, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। वैसे ही पब्लिक लाइब्रेरी रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट भी एग्जेम्प्ट होगी, बट वो पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए, मतलब ओपन टू एवरीवन। लास्ट में है कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन आया था थ्रू सर्कुलर इन 2018, ये उन चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड है जो कि योगा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो प्रमोट करते हैं रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी योगा, तो उसमें स्पेसिफिकली बताया गया था कि जो वो फी कलेक्ट करते हैं कैंप ऑर्गेनाइज के लिए, तो क्या वो फी टैक्सेबल होगी? तो उसमें बताया गया है कि अगर आपका प्राइमरी मोटिव ही योगा, रिलीजियस या मेडिटेशन प्रोग्राम है और उससे रिलेटेड आप फी कलेक्ट कर रहे हो, और फी जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो अकोमोडेशन से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। बट अगर आपका प्राइमरीली जो पर्पस है वो योगा या योगा प्रमोट करना, रिलीजन प्रमोट करना नहीं है, आप बस इसलिए फी कलेक्ट कर रहे हैं कि आप अकोमोडेशन, फूड, ड्रिंक्स प्रोवाइड कर पाए, तो वो टैक्सेबल होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्राइमरीली मोटिव क्या है, योगा प्रमोट करना, स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करना, रिलीजियस प्रमोट करना। इसमें एक चीज और बताई गई कि योगा में क्या क्या चीजें आती है। एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप और क्लासेस सच एज दोज इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा विल बी टैक्सेबल। तो जो फिटनेस कैंप्स होते हैं या एरोबिक, डांस, म्यूजिक, ये योगा की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो ये अगर आप इस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होंगे।
अब मैं आपको सम अप करती हूँ कि जो हमने अभी तक पढ़ा, तो आप कैसे डिसाइड कर पाए कि कोई रिसीट टैक्सेबल होगी कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एग्जाम सर्विसेज और टैक्सेबल सर्विसेज को ऐड करें, जो टर्नओवर आ रहा है उसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर करें कि वो 20 लाख्स को एक्सीड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो लाइबल टू जीएसटी है। फिर उसके बाद अब मैं मास्टर एग्जेम्पशन सर्कुलर नोटिफिकेशन में आए, उसमें अगर चैरिटेबल एक्टिविटी में आप फॉल करते हैं तो फिर तो आपकी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पर अगर आप मैग एग्जेम्पशन में फॉल नहीं भी करते हैं तो आप रिसीट को देख सकते हैं कैसे, सप्लाई की डेफिनेशन, कंसिडरेशन और बिजनेस की डेफिनेशन जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी। अगर उसमें फॉल कर रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं उन डेफिनेशन में तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।